अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टू, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू लोहा मकतब ऑनलाइन प्रोग्राम. आई एम श्योर दैट यू मस्ट हैव एंजॉयड योर ईद अ लॉट. मजा आया सबको ईद पे? वेरी गुड. अच्छा, कहीं गए तो नहीं थे ना आप? जा ही नहीं सकते थे ना बेटे, हम लोग तो सब घरों में बाउंड थे और बेहतर था हमारे लिए कि हम घरों में ही रहते, अपनी फैमिली को टाइम देते और अपनी फैमिली के साथ ईद गुजारते. ऐसा ही हुआ, मैंने भी बहुत मज़े से ईद गुजारी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर वालों के साथ, और मुझे यकीन है कि आप लोगों ने भी अच्छा टाइम स्पेंड किया होगा. काफ़ी सारी इस दफ़ा तो ईद ब्रेक हमारी काफ़ी लंबी थी, वी बीन रिलैक्स्ड अ लॉट, है ना. और रूटीन में बड़ी चेंजेस थी ना हमारी, कि जैसे आप एक डेढ़ महीने से हम ऑनलाइन पे काम कर रहे हैं, सुबह उठते हैं, आप लोग अटेंडेंस भेजते हैं, हम लोग स्कूल जाते हैं और अपना काम करते हैं सारा दिन की रूटीन के मुताबिक, फिर डे एंड होता है हमारा और आपका भी साथ साथ. लेकिन अब ये बीच का एक हफ्ता हमने अपनी मर्जी से सोए जागे, अपनी मर्जी से खाया पिया, है ना, सारा रूटीन चेंज हो गई, हम रिलैक्स हो गए मेंटली भी फिजिकली भी, और अब माशाल्लाह हम दोबारा से एनर्जेटिक हैं और तैयार हैं अपने अगले काम के लिए, है ना. अच्छा, इस हफ्ते में हम थोड़ा सा काम स्लो पेस में करेंगे, बिकॉज आई नो दैट मेनी ऑफ यू हैव स्टिल टू डू योर प्रीवियस वर्क. जब हमने कॉपीज मंगवाई थी और उस ड्यूरेशन में और बीच में ईद का गैप आ गया, काफी सारे बच्चों का काम वॉज इनकम्प्लीट एंड मिस, बहुत से बच्चों ने कॉपीज भेजी भी नहीं. काइंडली आप लोग कॉपीज कंप्लीट करें, टेक योर टाइम, बट इतना भी नहीं कि टाइम ही गुजर जाए बिल्कुल. तो काम कंप्लीट कीजिए और जब नेक्स्ट चेकिंग के लिए हम डेट्स अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह, तो तब पिछली इस दफा से ज्यादा नोटबुक्स हमें रिसीव होनी चाहिए और मुकम्मल काम के साथ. ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन विद अल्लाह. नहीं, अच्छा ऐसा है कि ईद की छुट्टियों में ना मैं भी कुछ लेजी हो गई हूँ छुट्टियों की वजह से, और मैं ना भूल रही हूँ कि हम कौन सा यूनिट पढ़ रहे थे. मुझे याद नहीं, कौन मुझे याद कराएगा? कौन सा यूनिट पढ़ रहे थे हम? फर्स्ट पढ़ रहे थे? नहीं ना, हम कौन सा पढ़ रहे थे? वेरी गुड अली, वी वर स्टार्टिंग यूनिट नंबर 3. अब मुझे नाम नहीं याद आ रहा. कौन मुझे नाम बता सकता है? अर्शमान, आप बता सकते मुझे नाम? बता सकते हैं? मुझे भूल रहा है. अजय, अजय, वेरी गुड अजय. इन द सिटी, अजय इन द सिटी. अब इसमें there are two characters which are with us throughout the book in all the units. Both of them will be available to us. Okay, they are the cousins. What's his name? Yes, Rafi and Heba. Kahan gaye the Rafi aur Heba? Kis shehar mein gaye the? कराची. शाबाश, कराची गए वो, है ना. और फिर वो अपने दादा के साथ कराची घूमने निकले एक दिन, ऐसे ही है ना. अच्छा, सबसे पहले वो कहाँ गए? कराची का सबसे पहले उन्होंने कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट विजिट किया? जू? नो, नॉट जू. इट वॉज अ, yes, it was a museum. Very good, Abdul Rahman. Very good. Museum. It was a museum in which old and ancient things were placed. पुरानी चीजें होती हैं म्यूजियम में जो हमें हिस्ट्री की याद दिलाती हैं कि माजी में या हिस्ट्री में या जो वक्त गुजर चुका है उसमें कैसे और कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल की जाती थी एंड फॉर व्हाट पर्पस, राइट. Okay, then and let's recall all the things which they had seen in the museum. कौन कौन सी चीजें उन्होंने म्यूजियम में
देखी थी। बताते हैं मुझे म्यूजियम में ओल्ड टॉयज, बिल्कुल क्ले कार्ट, शाबाश। और गेम कौन सी देखी उन्होंने? वेरी गुड, चेस बोर्ड। फिर और क्या देखा? एन ओल्ड पेंटिंग, वो देखी थी। तीन खवातीन थी, दो सर्वेंट्स थी और एक उनकी मालकिन थी जो शीशा देख रही थी। डाइसेस, ऐसे ही है। अच्छा, ये सारे टॉयज और डाइसेस, ओल्ड टॉयज, प्ले कार्ड, चेस बोर्ड और डाइसेस, हाँ ओल्ड हुआ थे, कितने पुराने थे? गेस करें, या हमने पढ़ा तो है, वैसे गेस करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यस, दे वर 5000 इयर्स ओल्ड, ये सारे ना 5000 Years, 5000 साल पहले के डाइस भी। ठीक है, म्यूजियम में ऐसी ही चीजें पड़ी हुई होती है, इतनी ही पुरानी। और ये पेंटिंग जो थी ये कितने साल पुरानी थी जनाबिया? ये थी, वेरी गुड, इट वॉज 400 years old, 400 साल पुरानी। अच्छा, म्यूजियम में जो है ना वो कोई 2-4 साल पुरानी चीज आपको नहीं मिलेगी, हमें कई 100 साल पुरानी चीजें मिलती हैं म्यूजियम्स में। गॉट इट? सो दिस वाज म्यूजियम। इसके बाद म्यूजियम के बाद कहां गए थे बताइए, सोचिए जल्दी से। उस स्काई स्क्रैपर, अब मैं आपको एक हिंट देती हूँ, स्काई स्क्रैपर जी बताइए, स्काई स्क्रैपर किसको कहते हैं वैसे? ईद पे ना मैंने कुछ खा लिया, कुछ ऐसा खा लिया कि मेरा गला खराब हो। मैं आइसक्रीम खा ली ना, नहीं खानी चाहिए थी ना, गला भी तो खराब हो गया ना। स्काई स्क्रैपर, स्काई स्क्रैपर होती हैं आसमान को छूने वाली इमारत। इतनी ऊंची बिल्डिंग्स लगे आसमान को छू रही हैं, लेकिन कोई चीज आसमान को तो नहीं छू पाती ना, जितना ऊपर जाते हैं आसमान उतना ही ऊपर हो जाता है ना। तो स्काई स्क्रैपर उन्होंने देखा, व्हाट वाज दिस बिल्डिंग स्काई स्क्रैपर? इट वाज अ बैंक। गुड, दादा के साथ फिर वो कहां गए? यहां पार्क भी था, they went into an old house. वो क्या था old house? किसका घर था? कायदे आजम का, बिल्कुल सही। कायदे आजम हाउस, कायदे आजम कौन थे? बिल्कुल, पाकिस्तान के बानी थे कायदे आजम। वेरी गुड, बिल्कुल सही। ये बैंक जो था ये कुछ कह लें 15-16 साल पुराना था बैंक। ठीक हो गया, अब ये था म्यूजियम और फिर एक बैंक की बिल्डिंग और फिर एक पुराना घर जिसको कायदे आजम हाउस कहते थे, कहते हैं, बल्कि वो था ही कायदे आजम हाउस। ओके, देन वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द चेंज ओवर टाइम। चेंज ओवर टाइम का क्या मतलब है? पहले मुझे कहना चेंज अच्छा होता है, तब्दीली कभी कभी अच्छी होती है, तब्दीली किसी हमारी जिंदगी में या किसी हमारी रूटीन में, कभी कभी जरा नागवार।
ज्यादा गुजरती है हमें। अभी जो तब्दीली, अभी रिसेंटली क्या तब्दीली आपने नोट की थी? बिल्कुल सही, रिसेंटली अब आपने इतनी सारी छुट्टियां मनाई हैं हम सब ने, तो वो तब्दीली थी ना रूटीन से, कि आपको सुबह उठ के अटेंडेंस ही लगानी पड़ रही थी और वीडियो लेसन ही देखने पड़ रहे थे और बहुत हद तक आप लोगों ने काम भी नहीं किया, मुझे पता है। अच्छा, बहुत रिलैक्स रहे हैं आप भी, और सिमिलर इज द केस विद अस टू। हमें सुबह स्कूल नहीं जाना पड़ा उठ के और नींद पूरी की, लेकिन घर का काम भी तो, देखिए अब टीचर जो होती है वो घर का काम भी तो करती है ना अपने अपने घरों का, तो वो तब्दीली थी रूटीन में। अब हर जगह में चेंज आता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब जैसे अब हम लाहौर को देखते हैं, या आप लोग जैसे अब लाहौर को देख रहे हैं, ठीक है, आज से जब आप बड़े हो जाएंगे ना, कह लें कि आज से जैसे 10 साल बाद लाहौर में मजीद चेंजेस आ चुके होंगे, ठीक है, क्योंकि वक्त के गुजरने के साथ साथ बिल्डिंग्स बनती जाती हैं, नए घर बनते जाते हैं और ओल्ड मतलब पुरानी इमारत को खत्म कर दिया जाता है, या फिर इसके अलावा कहने के कंडीशंस बदलती जाती हैं, ठीक है। अब जैसा लाहौर है ना हमारा शहर, आज से 15-20 साल पहले वैसा नहीं था, ठीक है, अब जैसा है 15-20 साल के बाद ऐसा नहीं होगा, थोड़ी तब्दील हो चुकी होगी इसकी भी लोकेशन, और लोकेशन क्या तब्दील होनी है, इसकी हालात चेंज हो चुके होंगे। इसी तरह से कराची के बारे में भी यूनिट में बात की गई है कि कराची हैज चेंज्ड ओवर टाइम। अब वो चेंज क्या है? अब वो चेंज तो एक आधी चीज नहीं, बहुत सी चीजों में है। पुरानी कराची की अगर हम बात करें तो देयर वर नो लाइट्स, बल्ब वगैरह नहीं होते थे, बिजलियां नहीं होती थी, बल्कि वो यूज करते थे, क्या यूज करते थे, ऑयल लैंप्स, ठीक है। उसके अलावा देयर वाज नो ट्रैफिक ऑन द रोड्स, कम मतलब बहुत कम थी, कार्स नहीं थी ज्यादा लोगों के पास, तो लोग किस पे, हॉर्स कार्ट्स पे, टोंगा जिसको हम कहते हैं, हॉर्स कार्ट नहीं, हॉर्स कार्ट, हॉर्स कार्ट, या वो पैदल चलते थे, पैदल चलने को प्रेफर करते थे, ठीक है, कम बहुत कम बसें होती थी, कैमल्स भी ट्रेवल करते थे वो लोग, मतलब जानवरों का इस्तेमाल करते थे ना। और 150 साल पहले तकरीबन कराची वॉज नॉट एज बिग एज इट इज टुडे, ठीक है, इट इज, इट वॉज अ स्मॉल सिटी। आप देखिए कराची इतना फैल चुका है, इतना बड़ा हो गया है, बड़ा शहर बड़े कैसे होते हैं, कद में तो नहीं बड़े होते ना, जैसे हम पहले छोटे हाइट के होते हैं, फिर लंबे होते जाते हैं, होते जाते हैं, फिर एक एज में आके हमारी हाइट उठ जाती है, मतलब हम टॉल हो जाते हैं जितना हमने होना होता है, लेकिन शहरों का साइज होता है ना, बड़े शहर हो गए, कराची भी बहुत बड़ा हो गया, लार्जेस्ट सिटी इन पाकिस्तान बन गया, पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा हो गई। अब मुझे बताया पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इज अ नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, आबादी, ठीक है। अब आबादी क्या है, पाकिस्तान में कितने इंसान रहते हैं, उसको अगर हम काउंट करें तो वो हमें पॉपुलेशन बताएगा, आबादी बताएगा, ठीक है, कितने लोग पाकिस्तान में रहते हैं, ये किसी भी जगह पे कितने लोग आबाद हैं, रह रहे हैं, दैट इज पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन, पॉपुलेशन होती है आबादी। अभी हमने बात की कि आबादी है कि एक इलाके में कितने लोग रहते हैं, उनका काउंट किया जाता है, उनको गिना जाता है और वो उस जगह की आबादी बन जाती है, पहले शहरों की, कुछ इलाकों की, फिर शहरों की, फिर पूरे मुल्क की आबादी, ठीक है। अब आबादी जितनी ज़्यादा होती है मिसाइल उतने ज़्यादा होते हैं। अब देखिए जहाँ पे एक बंदे के पास, इमेजिन एक रोटी है और वो एक बंदे ने खानी है,
तो वो एंजॉय करेगा ना, पूरी रोटी खाएगा, उसकी भूख मिटेगी। और अगर एक ही रोटी को चार लोगों ने खाना हो तो क्या सबकी भूख मिट पाएगी, बताए? नहीं, बिल्कुल सही। तो यही हाल आबादी का भी होता है कि जब मुल्क में चीजें कम होती हैं, लोग ज्यादा हो जाते हैं, तो फिर हर किसी को कुछ मिलता नहीं है, पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है, सबको बराबर की फैसिलिटीज नहीं मिल पाती, तो फिर मसले बढ़ते जाते हैं, है ना? ठीक हो गया। अच्छा, कराची की आबादी पहले कम थी, अब बहुत ज्यादा है, जैसे पाकिस्तान की आबादी भी बहुत ज्यादा होती जा रही है। अच्छा, ये तो हमने देखा। अच्छा, तुम्हें ये बताएं, इस पूरी सिचुएशन में हिबा को किस चीज का इंटरेस्ट था? क्या हिबा इंटरेस्ट ले रही थी म्यूजियम में, या ये न्यू एंड ओल्ड कराची के फीचर्स में, या कोई ज्यारत हाउस है इस तरह से कायद आजम हाउस में? नहीं, हिबा को किस चीज में इंटरेस्ट था? हिबा को इंटरेस्ट था जिसमें लड़कों को ज्यादा इंटरेस्ट होता है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। हिबा को इंटरेस्ट था क्रिकेट मैच में, उसको कोई शौक नहीं चल रहा था कि ये जी हमें हम इतने अहम पॉइंट्स पे आ रहे हूँ तो मुझे कुछ देखना चाहिए, नहीं, उसको सिर्फ ये था कि हम जल्दी जल्दी इन चीजों से निकले और क्रिकेट मैच कहीं मिस ना हो जाए ना उसका। आप में से किस किस को क्रिकेट पसंद है? अबे तो काफी सारे, अच्छा बॉयज में ज्यादा ही फेमस होती है, लेकिन अब तो गर्ल्स की भी टीम्स बन गई है भाई क्रिकेट की, और बड़ा अच्छा हमारी गर्ल्स माशाल्लाह क्रिकेट भी खेलती है बहुत अच्छा अच्छे तरीके से। ओके, कमिंग बैक टू द यूनिट, अब उसके बाद वो कहां गए? वो गए किसके चौंक पे? कायद आजम टॉम। टॉम क्या होते हैं? बी टॉम बर ही बोलेंगे इसको, टॉम बोलेंगे बी बहुत सॉफ्ट साउंड के साथ, ठीक है? टॉम, टॉम होता है जब कोई अहम शख्स फौत हो जाता है ना, तो उसको जब दफन किया जाता है तो उस जगह पे एक यादगार कायम कर दी जाती है जिसको कहा जाता है टॉम मकबरा, ठीक है? अब कायद आजम के मकबरे पर वो गए जहां पे अंदर बहुत खामोशी और अंधेरा था। देखिए कब्रिस्तान में जब हम जाते हैं ना फातह खाने के लिए, तो वहां भी बहुत खामोशी होती है, वहां शोर मचाना भी नहीं चाहिए, ठीक है? कुछ जगह होती है जहां पे हॉस्पिटल्स में आपको शोर नहीं मचाना चाहिए, ठीक है? इस तरह से टॉम ये या कब्रिस्तान ग्रेवयार्ड्स में होते हैं हम, वहां मस्जिदों में, इन जगहों पर हम शोर नहीं मचाते, ठीक है? अब कायद आजम का टॉम वो वहां गए, ये था, और ये दिस इज अ ग्रेव ऑफ आवर कायद, ठीक है? ये बड़ा ही खूबसूरत बिल्डिंग इस तरह से बनाई गई है, और इसमें इसके बाहर जो है ना वो बहुत बड़ा गार्डन भी है, ठीक है? इट वॉज डार्क एंड क्वाइट। A huge garden, बहुत बड़ा बाग है, और लोग जब फातह खाने के लिए जाते हैं तो उस गार्डन में जाहिर है पिकनिक भी कर लेते हैं, ठीक है? बच्चों के साथ खेल लेते हैं बच्चे, और खाना पीना कर लेते हैं। तो अभी तक की हमने इस यूनिट में यहां तक रीडिंग की है, ये मैंने एक रिवीजन का लेसन इसलिए बनाया है ताकि आप लोगों का वापस रिवाइवल हो जाए जहन में कि हमने इस यूनिट में क्या क्या पढ़ा था। अब इसी को हम फर्दर लेके चलेंगे हमारे अगले यूनिट में इंशाल्लाह, अगले यूनिट में नहीं, अगले लेसन में इंशाल्लाह, ठीक है? आपने तब तक ये करना है कि अगर कोई पिछला काम आपका मिसिंग है तो आपने वो रिवाइज भी करना है और कंप्लीट भी करना है, और जस्ट क्विकली कम बैक ऑन ट्रैक ऑफ लर्निंग एंड स्टडिंग हार्ड, ठीक है? और इसके साथ साथ हमारा जो है अभी आज के लिए मेरा ख्याल है यहाँ हम रोकते हैं, फौरन से मैं आपको बहुत ज्यादा रिटन वर्क वगैरह नहीं देना चाहती ताकि आप लोगों की एकदम से परेशानी ना शुरू हो जाए ना कि बहुत काम आ रहा है, बहुत काम आ रहा है, ठीक है? चले, आप इसकी रीडिंग कीजिए अच्छे तरीके से दोबारा से पूरे यूनिट की। कुछ हमने काम बुक पे किया था, और लेकिन मैंने उसके लिए आपको कहा था कि वो मटेरियल में जाएगा, असाइनमेंट में नहीं जाएगा क्योंकि वो बुक पे ही है, तो इट्स नॉट लाइक इसको फौरी चेक होना है। आप इंशाल्लाह वो काम ठीक करके, मतलब उसको अपने पास रखेंगे,
नेक्स्ट लेसन में हम अगले पेजेस की रीडिंग भी करेंगे और साथ एक्सप्लेनेशन भी करेंगे इंशाल्लाह. ठीक है, अल्लाह हाफिज़.